हेलो डियर व्यूअर्स, आज का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए है जो कंपार्टमेंट एग्जाम में इस साल अपीयर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को आपके कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम को लेके लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। कहाँ तक पहुँचा है, क्या होगा, मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोग मेरे साथ बने रहें। उससे पहले मैं आप लोगों को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है जवाब देने वाला हूँ। किस तारीख को आपका एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ बने रहें। इन सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के बीच में या एंड में जरूर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो, मेरे साथ बने रहें। तो आप में से जो सबका सवाल है कि भैया आप बताओ कि हमारा कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक कंपार्टमेंट की फॉर्म की डेट आएगी, रीचेकिंग कब तक है और क्या होगा, इन सभी के बारे में बता दूं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम बेसिकली कब तक होता है आप लोगों को पता है, आफ्टर जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके 1 मंथ बाद। तो कंसिडर कर लो अगस्त पूरा आपका है, सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू होंगे, ऐसा पूरा अभी जानकारी है। अब मैं बता दूं कि आपका फॉर्म कब तक आता है कंपार्टमेंट का। तो अभी भी आपको जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 1 से 2 वीक तक वेट करना होगा। रीचेकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल है, रीचेकिंग का कब तक रिजल्ट आता है, 1 वीक से लग जाता है या 1 वीक से ज्यादा, तो आप लोग अपना वेबसाइट चेक करते रहे मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारे अपडेट है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम को लेकर, मेरे साथ बने रहें। तो उससे पहले बहुत सारी जानकारियां हैं, हमारे HRD मिनिस्टर लाइव आए थे, उन्होंने क्या कहा है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम को लेकर HRD मिनिस्टर का क्या कहना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अभी जो है यूट्यूब पे काफ़ी टाइम बिता रहे हैं, हमेशा सर्च कर रहे हैं कि कब क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, मैं नहीं चाहता आप लोगों को किसी चीज़ में ट्रैवल करने का। हमारे पास, जी हाँ, यूट्यूबर्स के पास बस कुछ ही समय बचा हुआ है जो आपका कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम को कराने के लिए। मैं आपको कन्फर्म बता दूँ कि आप लोग जो पूछ रहे हो भैया कब तक एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, मेरे प्यारे दोस्तों और वेट नहीं करूँगा, 15 अगस्त तक की डेट दी गई है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 31 जुलाई तक आप लोगों का सब कुछ कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। उस दिन 31 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा, पूरा ही कंफर्म हो जाएगा, मैं बता दूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी के भी वीडियो देखें, कहीं भी जाकर वीडियो देखें, तो हर जगह आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, क्योंकि CBSE का कोई भरोसा नहीं है, आपको पता है कदम कदम पे खतरा है, कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आपके कॉलोनी में भी काफ़ी सारे केसेस होंगे। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, दिए गए टाइम पे आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिएगा, बने रहें वीडियो के बीच में आपको जरूर दूंगा। तो HRD मिनिस्टर ने क्या कहा मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों के ख्याल से या फिर हम लोगों के सोर्सेज से HRD मिनिस्टर को हमारा जो है ट्वीट पहुंच चुका है, वो ट्वीट जो है आप देखने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मेरे साथ बने रहिएगा। रात को इससे रिलेटेड, ट्वीट्स के रिलेटेड कुछ अपडेट्स आने वाली है मेरे को पता चला, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर ले आऊँगा। रमेश पोखरियाल जी क्या बोलेंगे वो भी जरूर बताऊँगा। खैर, उन्होंने कल एक लाइव सेशन किया है मेरे साथ, सुन लीजिए और सबर नहीं कराऊंगा। लाइव सेशन में उन्होंने कहा है, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लाइव सेशन में उन्होंने कह दिया है कि हमें बच्चों की काफ़ी ज़्यादा परवाह है, बच्चों को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा, उनके तरफ से जो पॉजिटिव संकेत आ रही है कि बच्चों को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन में चल रहे हैं, तो उन लोगों का टेंशन को कम करने के लिए वो जरूर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन का कम करने का मतलब ये है कि आप लोगों का एग्जाम जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया है, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाई करते रहना, मैं हाथ जोड़ता हूँ बड़ा भाई होने के नाते, हमेशा कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है इस साल एक चांस मिला, इसीलिए यूट्यूबर्स लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। तो हमारे पास कुछ समय बचा है, और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मुझे जो बहुत ज़्यादा दुख है, जो बच्चे पास हो गए, जो कंपार्टमेंट मतलब क्लियर, जिनका कंपार्टमेंट नहीं है, जो पास हो गए, मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो इन बच्चों का जो अभी दुख में है। आप लोग ये कह रहे हो, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई लोग आप लोग ट्वीट करो, रीट्वीट करो, क्योंकि आप लोग ज़्यादा तादाद में हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ सहमत है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग ज़्यादा तादाद में हो, आप लोग हेल्प करोगे तो इनके साथ भी जस्टिस मिल जाएगा, आपको जस्टिस मिल चुका है, पास हो तो प्लीज़, मेरे आपसे निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, माँ बाप से भी है माँ बाप जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, माफ करें, तो वो लोग भी प्लीज़ रीट्वीट करें, ट्वीट करें, और जो बच्चे पास हो चुके हैं वो अपने प्लीज़ हेल्प कर दो यार, किसी की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हेल्प आप करोगे दूसरों की तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, और भगवान पर भरोसा रखो मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग पढ़ाई करते रहो, आप लोगों को जो है मुंह से किसी को गाली दे के, किसी को मार के जवाब नहीं देना मेरे प्यारे दोस्तों। आज समाज आप पे हंस रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मुंह से मार के जवाब दोगे, आपको आपके काम से जवाब देना है मेरे प्यारे दोस्तों। आप ऐसा काम करो, पास होके दिखाओ, उनके मुंह पे थप्पड़ लग जाएगा, वो चुप हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ बने रहिए।
तो आप लोगों में काफी बच्चे जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, जो पास हो गए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें। और काफी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे, भैया आप कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल मत कराओ प्लीज, ऐसे बोल रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बात बताओ, अगर आपको एग्जाम देना चाहते हो इम्प्रूवमेंट वगैरह, खैर जो है वो आपका ओपिनियन है, आप अगर एग्जाम देने गए और कोरोना हो गया और बाय चांस आपके लिए कुछ नहीं कर पाया गया, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बताएं। पहले सबसे जरूरी है जान है तो जहान है, आप सबको पता है हमारे मोदी जी भी कहते हैं जान है तो जहान है, सबसे ज्यादा जरूरी है। खैर जो भी है, ये कुछ अपडेट्स थे आप लोगों की, जो एचआरटी मिनिस्टर बता रहे हैं कि कैंसिल होगा कि नहीं, और इससे जो भी मतलब जो भी अपडेट्स आएंगे, पर मैं आप सबसे एक ही चीज रिक्वेस्ट आवेदन करूंगा कि अभी तक सीबीएसई ने जवाब नहीं दिया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, आप सबको पढ़ाई करते रहना मेरे प्यारे दोस्तों। और रात को जी हाँ 6:30 से लेकर 7 बजे तक मेरे पास जो भी अपडेट आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। उससे पहले एक और जानकारी, यहाँ पे डिस्प्ले मेरा नंबर हो रहा है, नंबर लीजिए, जो भी डाउट है मेरे को फोन करिए, मैं हमेशा उठाऊंगा, लेकिन दिए गए टाइम पे 10:30 से सुबह 10:30 से लेकर जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों 10:30 से लेकर 12 और शाम को 4 से 6। अगर इसके बाद आप फोन करोगे तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मेरा फोन स्विच ऑफ आएगा क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है प्यारे दोस्तों। मिलते हैं रात के वीडियो में, धन्यवाद।